हमने पिछले वीडियो के अंदर इससे जो पिछली जस्ट वीडियो थी थर्ड नंबर वाली उसके अंदर में बात की थी फेजेस ग्राफ क्या होते हैं और रेजिस्टेंस के लिए फेजेस ग्राफ किस तरह बनेगा। हमने वोल्टेज और इक्वेशन फाइंड करके रेजिस्टेंस के लिए हमने उसके लिए फेजेस ग्राफ बनाया था। इस वाले वीडियो में हम एक कैपेसिटर को लेके उसकी वोल्टेज और करंट की वैल्यू फाइंड करके उनके लिए फेजेस ग्राफ प्लॉट करना है। पहले मैं बनाता हूँ सर्किट डायग्राम। ये मैं कोई कैपेसिटर दिखा लेता हूँ। इस कैपेसिटर को आपने किसी एसी सोर्स से अटैच कर रखा है। ये आपका कैपेसिटर है, ये कोई एसी सोर्स है, इसकी वोल्टेज आपको पहले से पता है, ये सोर्स इतनी वोल्टेज दे रहा है। तो इसके कैपेसिटर पे वोल्टेज और करंट की इक्वेशन निकालने के लिए मैं पहले किरचॉफ का लॉ लगा देता हूँ। किरचॉफ लॉ से वोल्टेज की इक्वेशन आ जाएगी, मेरी वोल्टेज माइनस कैपेसिटर की वोल्टेज, दोनों का डिफरेंस जीरो होगा, क्योंकि किरचॉफ का सेकंड लॉ जो है वो वोल्टेज के लिए है, ईएमएफ के लिए है, फर्स्ट जो है वो करंट के लिए है। किरचॉफ का सेकंड लॉ जो है उसको अप्लाई करके मैंने बी माइनस बी सी यानी हमारी एसी सोर्स की वोल्टेज और कैपेसिटर की वोल्टेज दोनों का डिफरेंस जीरो है, क्योंकि हमारे सोर्स की सारी वोल्टेज कैपेसिटर पर है, उसके अलावा वोल्टेज आ नहीं रही, वोल्टेज लॉस नहीं हो रहा। इस इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि वोल्टेज कैपेसिटर की और सोर्स की दोनों की इक्वल है, और कैपेसिटर की वोल्टेज कितनी बन गई, जितनी जितनी सोर्स की वोल्टेज है, और सोर्स की वोल्टेज कितनी है, वी जीरो साइन ओमेगा टी सोर्स की वोल्टेज है। फिर बात करते हैं करंट की इक्वेशन कैसे लाएंगे, कैपेसिटर के लिए करंट कैसे लाएंगे। रेजिस्टेंस के लिए तो आपने ओम्स लॉ लगा लिया, वी इज इक्वल आई आर, लेकिन ये सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए ही अप्लाई होते हैं, आर यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो कैपेसिटर के केस में ये हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे करंट की, इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। कैपेसिटर का कंसेप्ट होता है कि आप कैपेसिटर के लिए चार्ज निकाल सकते हो, क्योंकि Q इक्वल होता है सी वी। मैं पहले चार्ज निकाल लेता हूँ, V की वैल्यू मेरे पास पड़ी है कैपेसिटर के केस के लिए, मैंने अभी वोल्टेज फाइंड की है, वो वी जीरो साइन ओमेगा टी आई है। अब अगर मुझे करंट निकालनी है इस चार्ज से कितनी करंट बन सकती है, मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन का डिफ्रेंशिएट करूंगा तो सी वी जीरो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होगा ओमेगा, फिर बाहर बनेगा तो आपका आई आ जाएगा। इस पूरे को मैं लेट कर लेता हूँ कि आई जीरो है, ये आपका करंट की इक्वेशन आ गई, आई इज इक्वल आई जीरो साइन ओमेगा टी। और यहाँ पर हमने कॉन्स्टेंट को आई जीरो लिखा है, वो कॉन्स्टेंट है वी जीरो ओमेगा सी। इससे हमारा क्या फायदा होगा वो इस वीडियो के लास्ट में आपको पता लग जाएगा। अब अगर देखा जाए वोल्टेज और करंट की जो इक्वेशन आई है, वोल्टेज की इक्वेशन आई कैपेसिटर के केस में वी जीरो साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन आपने भी फाइंड की है वो है आई जीरो कोस ओमेगा टी। मैं अगर इसको साइन में कन्वर्ट करूं मैं इसको लिख सकता हूं साइन 90 प्लस थीटा, 90 मैंने बाद में लिखा है, साइन 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा ही कोस थीटा क्यों होता है, 90 माइनस थीटा भी तो लिख सकते हैं, पर हमारे को यहाँ पे 90 प्लस थीटा ही लिखना है। इसका कारण क्या है, कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से आगे चलती है, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर प्लेट्स के ऊपर चार्ज पहले से अवेलेबल है, अंदर पहले से करंट होती है, उस करंट का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। हम 90 माइनस थीटा नहीं कर सकते, 90 माइनस थीटा करने का मतलब यह है कि करंट पीछे चल रही है, और उससे हमारा सिस्टम सारा मैथमेटिकल तो प्रूव हो जाएगा लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कैपेसिटर के केस में करंट जो है वो पहले से अवेलेबल है, उस करंट का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। ये थ्योरी हमने पढ़ेंगे मैक्सवेल के प्रिंसिपल के अंदर। मैक्सवेल ने बोला था कैपेसिटर के अंदर पहले से अंदर एक करंट होती है, अंदर जो करंट होती है उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट, जो फ्लक्स चेंजिंग के कारण आती है, दोनों प्लेटों के बीच में फ्लक्स चेंजिंग होती है। तो हमने यहाँ जो इक्वेशन लिखी है वो 90 प्लस थीटा ही लिखी है। अब आप इन दोनों इक्वेशन से एक बात बोल सकते हो कि वोल्टेज की इक्वेशन साइन ओमेगा टी है, करंट की इक्वेशन साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू है। दोनों इक्वेशन से आप बोल सकते हो कि फेज डिफरेंस जो है वो पाई बाय टू का है, वो करंट जो है वो आगे है और वोल्टेज जो है वो पीछे है, ये आपने उसके अंदर फेज डिफरेंस फाइंड कर लिया। अब इस फेज डिफरेंस से हम वेव ग्राफ बना सकते हैं, वेव ग्राफ का क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। तो मान लो कि आपने वोल्टेज को यहां दिखा दिया, ये आप कह रहे हो कि वोल्टेज है, तो करंट इससे आगे है लेकिन मैग्नीट्यूड में कम है, क्योंकि V इज इक्वल आई आर होता है, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, करंट आपको इससे आगे जरूर दिखानी है पाई बाई टू, लेकिन मैग्नीट्यूड में वो छोटी होनी चाहिए। तो ये पाई बाई टू आगे है और मैग्नीट्यूड में ये इस वोल्टेज से कम है,
ये इक्वेशन है करंट की। देख लो वोल्टेज जहां जीरो है करंट वहां पहले से है, वोल्टेज यहाँ हाईएस्ट पे है तो करंट पहले से निकल चुकी है, करंट यहाँ लोएस्ट पे पहुंच गई है। यानी इस ग्राफ से पता लग रहा है कि वोल्टेज जो करंट पाई बाय टू के डिफरेंस पे है, वो करंट जो है वो आगे है, वोल्टेज जो है पीछे है। अगर आप मान लो कि करंट को ओरिजिन पे लेते हो, तो अगर वेव ग्राफ आप दूसरे तरीके से बनाते हो, मैंने तो अभी इस वाले ग्राफ में वोल्टेज ओरिजिन पे लिया है, अगर आप करंट को ओरिजिन पे लेते हो आपके, तो मैं करंट की वैल्यू ओरिजिन से दिखाऊंगा, तो वोल्टेज की वैल्यू जब आप दिखाओगे तो आपको नीचे से दिखानी पड़ेगी। हाँ मैग्नीट्यूड में आप दिखा सकते हो कि वोल्टेज ज्यादा है, मैग्नीट्यूड में ये वोल्टेज ज्यादा है, ये अगर करंट है तो अभी भी करंट जो है वो आगे है, ये करंट है रेड कलर वाली, वो ब्लैक वाली वोल्टेज है, करंट यहाँ भी आगे है वोल्टेज से, वोल्टेज पीछे है, फर्क जो है पाई बाय टू का है। फिर हम बात करते हैं फेजेस ग्राफ की। फेजेस ग्राफ के लिए हमारे को क्या करना है, हमारे को एक सर्किल के अंदर ये वोल्टेज और करंट को शो करने हैं। मैं पहले काम करता हूँ, बड़ा सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर बड़े से क्यों मुझे ये पता है कि वोल्टेज जो है वो ओमेगा टी पे है। अब करंट का कंसेप्ट ये है कि करंट छोटे सर्किट से शो होगी, वो करंट पाई बाय टू आगे है, करंट पाई बाय टू आगे है, इसमें 90 ऐड कर देता हूँ, ये 90 इंक्रीज कर दिया ओमेगा टी में, और ये जो वैल्यू है वो किसकी है, करंट की है। सर्किट थोड़े सही नहीं बने लेकिन यहां से पता तो लग रहा है करंट जो है वोल्टेज से पाई बाय टू आगे है, वोल्टेज जो है वो सिर्फ ओमेगा टी पे है, करंट जो है वो ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू पे है। और साथ में हमने जो जिसको आई जीरो लिखा था, अगर आपको इसकी पूरा इक्वेशन अगर आपको याद हो, हमने यहाँ किसी को आई जीरो लिख के छोड़ दिया था, तो आई जीरो की अगर बात करें, आई जीरो हमने लिखा था वी जीरो ओमेगा सी को। तो यहाँ से अगर मैं एक बात बोलूं कि वैसे आई होता क्या है, आई होता है वी अपोन में वी इज इक्वल आई आर, तो वी अपोन में आर होता है, लेकिन हमारे कैपेसिटर केस में जो रेजिस्टेंस बनेगा वो होता है एक्स सी, ये होता है कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, वायर के लिए आर होता है, तो इसमें आर लिखा था। अब यहाँ पर आर नहीं लिख सकते, यहाँ पर लिखेंगे एक्स सी। इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन की कंपेयरिंग करें, आई जो है वो आई के फॉर्म में पड़ा है, वी जीरो ऊपर है, वी जीरो ऊपर है, यहाँ ओमेगा सी है और यहाँ वैल्यू है ओमेगा वी के साथ में जो वैल्यू है वो है वन अपॉन एक्स सी की। इसका मतलब वन अपॉन एक्स सी जो है कंपेयरिंग से ओमेगा सी बना है, यहाँ से एक्स सी कितना आ गया, वन अपॉन ओमेगा सी। इसका मतलब कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वन अपॉन ओमेगा सी होता है, इसका हमें न्यूमेरिकल में बेनिफिट मिलेगा।